नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अंकित और आपके इस यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपना पशुपालन व्यवसाय कर रहेंगे। दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि जो अपनी गाय भैंस होती है वो बार बार रिपीट क्यों हो जाती है, उसका जो मेन कारण रिपीट होने का है वो क्या है। अगर आपका पशु आज्ञा का हो जाता है और फिर बार बार दोबारा से आज्ञा का हो जाता है, उसी को हम रिपीट होना कहते हैं। किसी भाई को नहीं पता हो तो रिपीट होना, ये उस रिपीट होने की जो परिभाषा है वो है कि अगर आपके पशु एक बार प्रेग्नेंट हो जाए, एक डेढ़ महीने बाद फिर प्रेग्नेंट हो जाए तो उसी बात को हम जो है वो रिपीट होना कहते हैं। तो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं कि इस टॉपिक के ऊपर है कि जो प्रेग्नेंट या जो रिपीट होते हैं पशु, उसको कैसे ठीक करा जा सकता है, किस प्रकार से उस जो अपने पशु होता है उसको जो रिपीटर होता है उसकी जो बीमारी होती है उसको दूर किया जा सकता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जो साथ में बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता और इससे फ़ायदा यह होगा जो भी वीडियो हमारे द्वारा सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर डाली जाती है तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। कि जो अपने सबसे पहले जानने की बात ये होती है कि जो अपना पशु होता है वो रिपीट क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो इसका जो मेन कारण है वो है कि बच्चेदाने का इन्फेक्शन है वो आपके पशु के अंदर हो सकता है। तो बच्चेदाने का इन्फेक्शन हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा जो नुस्खा है घरेलू वो ही अपनाना होगा। उसमें आपको जो आपका ये देसी घी के अंदर हलवा बना लेना, और हलवे को जो ठंडा हो जाए तो उसमें 50 से 100 ग्राम हल्दी मिलाकर अपने पशु को खिला दीजिए। 5 से 6 दिन के अंदर जो बच्चेदाने का इन्फेक्शन वो दूर हो जाएगा और जो आपका पशु है वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। और प्रेग्नेंट होने के बाद अपने पशु को जो बावली घास आती है वो खिला दीजिए। किसी भी कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, कि अपने पशु कि आप अपने खुद वैद्य बन सकते हैं। प्रेग्नेंट होने के बाद उसको 3 से 4 से 5 दिन तक आप बावड़ी घास खिलाया जाए, आपका जो पशु है वह 100% ठहरेगा, उसका गर्भ है वो ठहरेगा, किसी प्रकार की उसकी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको बात बता दी, घास फूस से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अपने पशु को बढ़िया तरीके से रखिए और उसकी बढ़िया तरीके से केयर कीजिए। और धन्यवाद। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और सीमा पर जवान खेत में किसान जो भी भाई लगे हुए हैं उनको इस हिंदुस्तान डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल की तरफ से बार बार धन्यवाद।